हाल ही में महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे के बयान पर विवाद खड़ा हो गया। कणकवाली से विधायक राणे ने धमकी भरे अंदाज में अहमदनगर में कहा, जो भाषा में समझते हो ना उसी भाषा में धमकी देकर जाता हूँ, हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी किया तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आकर चुन चुन कर मारेंगे। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। दरअसल कुछ दिन पहले आध्यात्मिक गुरु रामगिरी महाराज ने पैगंबर मोहम्मद पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर राज्य के अलग अलग जिलों में उनके खिलाफ मोर्चे निकाले गए थे। फिर रविवार को कई लोगों ने रामगिरी महाराज के समर्थन में बीजेपी विधायक नितेश राणे के नेतृत्व में मोर्चे निकाला। इसी दौरान उन्होंने विवादित बयान दे दिया, बोले हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर किसी ने कुछ कहा तो मस्जिदों में आकर चुन चुन कर मारेंगे। सुनिए राणे क्या कुछ बोले। नहीं तो बोलते नहीं तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी लेके जा रहा हूँ। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तुम्हारे तुमको तुम्हारी कौम की अगर तुमको अगर तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जवान हम लोग सही पे रखेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रखना। नहीं तो अल्लाह माझ्या देशामध्ये या सगळ्या गोष्टी आम्ही पाहतो आहे यूट्यूबवर आणि सोशल मीडियावर, कोण कोण आमच्या रामगिरी महाराजांच्या बद्दल एक एक मौली उठता है आणि भाषण देता है, धमक्या देता है, त्यांना अंगावर जाण्याची भाषा करता है, आमच्या हिंदू धर्माच्या बद्दल वेगळा वाकडा बोलता है। पोलिसांना मी सांगेन वेळेत ते यूट्यूबचे चॅनल बंद करा, प्रत्येकावर आमचं लक्ष आहे। इस बयान को लेकर नितेश राणे के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है। उन पर भड़काऊ भाषण देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक नितेश राणे के खिलाफ अहमदनगर जिले के तोफखाना पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। तोफखाना पुलिस नितेश राणे को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए भी बुलाएगी। वही नितेश अभी भी अपने बयान पर कायम है। वो मीडिया से बात करते हुए बोले, मैं माफी क्यों मांगू, विधायक होने से पहले मैं एक हिंदू हूं, मैं अपने बयान पर कायम हूं। वहीं इस पर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने लिखा, महाराष्ट्र अहमदनगर में बीजेपी विधायक नितेश राणे पुलिस प्रशासन के सामने खुली धमकी दे रहे कि मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। पूरी स्पीच में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, ये भड़काऊ भाषण एड स्पीच है। बीजेपी महाराष्ट्र में चुनाव के पहले सांप्रदायिक हिंसा कराने की कोशिश कर रही है। वारिस पठान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और DGP से मामले में संज्ञान लेने और केस दर्ज कर नितेश राणे को हिरासत में लेने की भी मांग की है। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।